my channel. This is me, Shivangi, and today I'm gonna share this Valentine's Day makeup look because there are only few days left for Valentine's. So I think मुझे ये makeup look आप सबसे share करना चाहिए. So if you wanna know, then stay connected. And before that, subscribe my channel, hit the bell button so that you get notified every time I upload a video. And now let's start the video. And yes, सारे product का link जो भी मैंने इस makeup look को create करने के लिए use किए हैं, मैंने description box में mention कर दिए. So if you are planning to buy or if you wish to try, then please check it from there. So and now let's start the video. So for primer, I'm using my all time favorite color bar primer. और ये बहुत अच्छा primer है, इसे मैं अपने eyelid area पे apply कर रही हूँ to avoid all the crease lines, so that मेरा जो eye shadow हो उसमें कोई crease lines ना पड़े. And to cover my pigmented area, I'm using Miss Claire full coverage concealer. ये बहुत अच्छी coverage देती है, इसे मैं fingertip की help से ही अपने eyelid area पे और मेरे pigmented area पे apply कर रही हूँ. And blend भी कर रही हूँ मैं अपने fingers की ही help से. And to avoid all crease lines and to lock my concealer, I'm using Fit Me Loose Powder. और इसे मैं इस स्पॉन्ज की हेल्प से अपने आईलेड एरिया पे और रिक्वायर्ड जगहों पे या जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया वहाँ पे अप्लाई कर ले रही हूँ. एंड जो भी एक्सेस है वो मैं इस ब्रश से डस्ट ऑफ कर दे रही हूँ. एंड फॉर आई शेडो, आई एम यूजिंग मर्फी आई शेडो पैलेट और इसमें से मैं ये लाइटर ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ फॉर माई ट्रांजिशन. और ये बहुत लाइट सा शेड है जो कि परफेक्ट होगा मेकअप के लिए या ट्रांजिशन फर्स्ट ट्रांजिशन शेड के लिए. एंड इसे मैं इस ब्रश की हेल्प से, इस फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं अंदर की तरफ ब्लेंड कर दे रही हूँ. क्रीज लाइन पर रखते हुए आपको अंदर की तरफ ब्लेंड करना है. एंड ये ब्रश मैंने क्लव फैक्ट्री से लिया था, मैंने इस ब्रश का पूरा सेट अप्लाई लिया था. एंड ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड नेक्स्ट आई एम पिकिंग दिस डीपर ब्राउन शेड एंड इसे भी मैं सेम ब्रश से अपनी क्रीज लाइन पे रखते हुए अंदर की तरफ अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, सो दैट मैं एक और डेप्थ दे सकूँ अपने आई में. एंड नेक्स्ट आई एम पिकिंग दिस मैक ब्राउन शेड. इसमें इसका नाम है, शेड नेम जो इसका है वो है एम्बर्क. और वेट एंड वाइल्ड का ब्रश यूज़ करके मैं अपनी क्रीज लाइन पे अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ इनवर्ड डायरेक्शन में दिस सेम कलर, दिस ब्राउन कलर. और इसी तरह से मैं अपनी दूसरी आँख पे भी अप्लाई कर रही हूँ सेम ब्राउन कलर और अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ. एंड ब्लेंड करने के बाद इस तरह से दिखता है. एंड नाउ फॉर शिमरी शेड, आई एम पिकिंग दिस शिमरी शेड और इसे मैं फिंगर टिप की हेल्प से इनर कॉर्नर से, इनर वी से सेंटर ऑफ आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ टू ऐड सम शीन ऑन माय आई. एंड आई एम पुटिंग सम ब्राउन, दैट मैक ब्राउन कलर, सो दैट ट्रांजिशन ज़्यादा अच्छा दिख सके. एंड विद द हेल्प ऑफ क्लीन ब्रश सारी हार्श लाइन्स ब्लेंड कर रही हूँ. सो हेयर आई एम यूजिंग मैक ब्लैक कलर, इसमें इसका शेड नेम है कार्बन. और इसी से मैं ब्रश की हेल्प से एक रफ लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ. मैं यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर लाइनर नहीं अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहो तो आप अपने पसंद का कोई भी लाइनर ड्रॉ कर सकते हो. एंड आई एम स्मोकिंग आउट माई लोअर लैश लाइन यूजिंग दैट ब्राउन मैक कलर. एंड आई एम एडिंग सम ब्लैक कलर एज वेल, आई एम यूजिंग दैट सेम ब्लैक कलर ऑफ मैक. एंड उसी से मैंने लोअर लैश लाइन स्मोक आउट करी है. एंड आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड मस्कारा, इसने अच्छी खासी वॉल्यूम दी है मेरे लैशेस को. आप ये मस्कारा एक बार ट्राई कर सकते हो. एंड फॉर फेस आई एम यूजिंग दैट सेम कलर बार प्राइमर. और फाउंडेशन के लिए मैंने मैक का फाउंडेशन यूज़ किया, ये मीडियम टू हाई कवरेज देता है. इसमें मेरा शेड है NC35 और इस ब्रश की हेल्प से मैं अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर ले रही हूँ. एंड मिस क्लेयर का सेम मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और फिंगर टिप्स की हेल्प से अंडर आई पे और पिगमेंटेड एरिया जैसे लिप के आसपास मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ और उसी से फिंगर से ब्लेंड कर ले रही हूँ. एंड टू लॉक माई कंसीलर आई एम यूजिंग फिट मी लूज पाउडर विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर और इसे ही यूज़ करके मैं अपना लूज पाउडर ब्लेंड कर ले रही हूँ. एंड आई एम यूजिंग एप्पल ब्लश पैलेट और उसमें से ये शेड पिक कर रही हूँ टू ब्लश माई चीक्स और इसे मैंने एप्पल ऑफ चीक्स पे विद द हेल्प ऑफ दिस कलर बार ब्लशर ब्रश से अप्लाई किया है. एंड फॉर हाईलाइटिंग मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन मास्टर क्रोम हाईलाइटर, इसी से मैंने इनर कॉर्नर ब्राउ बोन एंड बोन चीक बोन और ब्रिज ऑफ माई नोज क्यूपिड बो और चिन को हाईलाइट कर रही हूँ. एंड फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग रेड लिपस्टिक विद रेड लाइनर. लाइनर मैंने मी नाउ का रेड लाइनर यूज़ किया. फर्स्टली आई एम गोइंग टू कॉन्टोर एंड लाइन माई लिप्स एंड देन आई एम यूजिंग दिस रेड लिपस्टिक ऑफ मेबलिन. लिप ग्रेडेशन रेंज है, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, आपको एक बार इसको भी ट्राई करना चाहिए. एंड टू सेट माई मेकअप आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड मेकअप फिक्सर एंड हियर इज माई फाइनल लुक. We'll be right back.
दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो. एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.